हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एन बॉली मीडिया में, जहां आपको मिलती है अपकमिंग मूवी, सॉन्ग, टीवी सीरियल एंड वेब सीरीज से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बागी फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी यानी बागी 4 के बारे में, तो वीडियो पूरी देखिएगा और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइगर श्रॉफ की बागी सीरीज बेहद लोकप्रिय रही है। बागी और बागी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार सफलता हासिल की थी। बागी 3 का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन थोड़ा कम रहा। इसके दो कारण हैं। एक तो कोरोना वायरस के कारण सिनेमा घर बंद कर दिए गए, जिसके कारण बागी 3 को पूरी तरह प्रदर्शन का मौका नहीं मिला। दूसरा कारण ये है कि बागी 3 सीरीज की पिछली दो फिल्मों की तुलना में कमजोर थी। बहरहाल, इससे फिल्म के निर्माता साजिद नाडियाडवाला निराश नहीं है और उन्होंने बागी 4 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बागी 4 को लेखकों की एक टीम लिख रही है। बता दें कि बागी सीरीज में हमेशा एक्शन बहुत दमदार रहा है, लेकिन स्टोरी लाइन में फिल्म थोड़ी कमजोर लगती है। बागी 3 में ये कमी पूरी तरह उभरी थी, इसलिए इस बार कहानी को भी दमदार बनाया जा रहा है। साजिद का मानना है कि एक्शन को जस्टिफाई किया जा सकता है। बताते चले कि फिल्म की शूटिंग 2021 से शुरू की जाएगी। फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि टाइगर श्रॉफ तो फाइनल ही है, लेकिन हीरोइन अभी तक तय नहीं है। बागी और बागी 3 में श्रद्धा कपूर नजर आई थी, जबकि बागी 2 में दिशा पाटनी थी। कहा जा रहा है कि संभवतः जैकलीन फर्नांडिस बागी 4 में नजर आ सकती हैं। फिर दोस्तों, आप कितने हैं एक्साइटेड बागी 4 के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।